अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मेथड यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट कॉस पाई बाई 7 माइनस कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 3 पाई बाई 7 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा एक डिटेल क्वेश्चन है जो हमने अटेम्प्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर हम इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेट कर लेंगे कि एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसके ये रूट हैं। और यहाँ पर मैंने एक्स टू द पावर 7 कैसे सेलेक्ट किया यहाँ से देखते हुए, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 7। अब आपको बताएं, यहाँ से इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स 7 इज इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका मतलब है ये कम्प्लेक्स रूट बन चुका है। हम लेट कर लेते हैं इसे जी के इक्वल, जी इज इक्वल टू है 1। और इसके कितने रूट कैलकुलेट करेंगे, 7th रूट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उनका सम लेंगे। अब जी इज इक्वल टू 1 ये कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब डेफिनेटली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और यहाँ पर हमारे पास आर क्या होगा, आर होगा जी मोड। तो जब हम रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आर की वैल्यू आएगी। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो डेफिनेटली हमारे पास जो एंगल थीटा है, थीटा क्या होगा, थीटा होगा हमारे पास 0 रेडियन। देन हम कैलकुलेट करेंगे सेवंथ रूट्स ऑफ 1 आर गिवन बाय फार्मूला। और हमारे पास फार्मूला क्या है, रूट के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एक्स के इज इक्वल टू आर टू द पावर 1 ओवर एन कॉस थीटा प्लस 2 के पाई अपॉन एन प्लस अयोटा साइन थीटा प्लस 2 के पाई अपॉन एन। ये हमारे पास फार्मूला है और इस जनरल फार्मूले में के क्या है, के इज इक्वल टू है हमारे पास 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एन माइनस 1। ये जनरल फार्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पर हम आर और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आप नोटिस करें, जब मैं आर और थीटा की वैल्यू पुट करूँगा तो एक्स क्या बनेगा, 1 टू द पावर 1 ओवर एन। एन क्या है हमारे पास, एन है 7, यहाँ पे थीटा क्या है 0, तो ये कॉस 0 प्लस 2 के पाई अपॉन 7 प्लस अयोटा साइन थीटा क्या है 0 प्लस 2 के पाई अपॉन 7। और यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम इसी को अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स के क्या बनेगा हमारे पास, एक्स के बनेगा 1 टू द पावर 1 ओवर 7, 1 ही है, नो नीड टू राइट। तो ये बनेगा कॉस 2 के पाई अपॉन 7 प्लस अयोटा साइन 2 के पाई अपॉन 7। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब हमने ये स्टडी किया हुआ है बिकॉज सम ऑफ ऑल क्यूब कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, इट मीन्स समीशन के इज इक्वल टू 0 टू 6। और यहाँ पे कॉज, यानी यहाँ पे हमारे पास समीशन सम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, सम एक्स के इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स के की ये वैल्यू पुट करते हैं, एक्स के की ये वैल्यू है तो ये हमारे पास बनेगा समीशन के इज इक्वल टू 0 टू 6 कॉज 2 के पाई अपॉन 7 प्लस अयोटा साइन 2 के पाई
अपॉन 7 और इक्वल टू क्या है 0, तो 0 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। देन हम क्या करेंगे, आप नोटिस करें यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमें क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए, हमें जस्ट चाहिए रियल पार्ट, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल पार्ट्स ऑन बोथ साइड। तो जब मैं रियल पार्ट्स को बोथ साइड कंपेयर करूँगा तो समीशन k इज इक्वल टू 0 to 6 cos 2 k पाई अपॉन 7 इक्वल टू क्या बनेगा 0। अब यहाँ पर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, k की वैल्यू 0 देता हूँ, 1 दूंगा, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये बनेगा हमारे पास cos k की वैल्यू 0 लूँगा तो 0 अपॉन 7 0 ही है, प्लस cos k की वैल्यू 1 लूँगा तो 2 पाई बाई 7 बनेगा, प्लस cos k की वैल्यू 2 लूँगा तो 2 to the 4 पाई बाई 7 बनेगा, प्लस cos 3 लूँगा तो ये बनेगा 6 पाई बाई 7। नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट हमारे पास है प्लस में हमारे पास 4 वैल्यू पे cos 8 पाई बाई 7, 5 पे cos 10 पाई बाई 7 और 6 पे cos 12 पाई बाई 7 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे cos 0, डेफिनेटली cos 0 क्या होगा 1, यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं cos 0 क्या है 1, प्लस cos 2 पाई बाई 7, इसको लिख सकता हूँ cos पाई माइनस हमारे पास है 2 पाई बाई 7, यहाँ पर हमें आंसर में 2 पाई बाई 7 चाहिए, इसको वैसे ही राइट कर देते हैं, ये हमारे पास है cos 2 पाई बाई 7। नेक्स्ट क्या है हमारे पास cos 4 पाई बाई 7, तो इसे मैं राइट कर सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाई 7, तो डेफिनेटली 4 ही बनेगा। 6 को राइट कर सकता हूँ cos पाई माइनस पाई बाई 7। नेक्स्ट क्या है, 8 को राइट कर सकता हूँ cos पाई प्लस पाई बाई 7 और 10 को राइट कर सकता हूँ cos पाई प्लस 3 पाई बाई 7 और 12 को cos 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, ये चाहिए वैसे ही राइट कर दिया 2 पाई बाई 7 वैसे ही राइट कर दिया, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव को रेशो चेंज नहीं होगी, यहाँ पर भी cos नेगेटिव को रेशो चेंज नहीं होगी, यहाँ पर पाई प्लस थीटा थर्ड में हमारे पास cos क्या होगा, डेफिनेटली थर्ड में भी ये नेगेटिव होगा तो ये बनेगा माइनस cos पाई 7/3। अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा, अब डेफिनेटली 2 पाई माइनस थीटा जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे अगेन नेगेटिव cos 3 पाई बाई 7 और लास्ट हमारे पास है प्लस cos 2 पाई बाई 7 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हम इसे अगेन कंबाइन करते हैं, आप नोटिस करें ये 1 है, उसके बाद 1 cos 2 पाई बाई 7 प्लस ये लास्ट वाला, तो ये कितने बनेंगे 2 cos 2 पाई बाई 7 माइनस वाला, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 cos 3 पाई बाई 7, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 cos पाई बाई 7 इक्वल किसके है 0 के। अब उसके बाद आप नोटिस करें कि अगर मैं प्लस के 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये हमारे पास बन चुका है 2 cos 2 पाई बाई 7 माइनस का 2 cos 3 पाई बाई 7 और ये है माइनस का 2 cos पाई बाई 7 इज इक्वल टू माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट जो हमें प्रूफ करना है राइट साइड पे हमें बनाना है 1/2, तो 1/2 बनाने के लिए राइट साइड पे हमें पॉजिटिव 1 बनाना है, तो पॉजिटिव 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव 1 कर देते हैं, तो ये बनेगा माइनस का 2 cos 2 पाई बाई 7, ये बनेगा प्लस का 2 cos 3 पाई बाई 7 और ये बनेगा प्लस का 2 cos पाई बाई 7 इज इक्वल टू 1। अब आप नोटिस करें सबसे पहले कि ईच एंड एवरी टर्म डिविजिबल बाय 2 है लेफ्ट साइड पे, तो हमने क्या किया डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, माइनस का cos 2 पाई बाई 7 और यहाँ पर आएगा
कॉस 3π/7 प्लस का कॉस 5/7 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा 1/2। अब सबसे पहले पॉजिटिव टर्म है और वो कौन सी है, कॉस 5/7, ये हमने राइट कर दी, सबसे पहले राइट कर दिया कॉस 5/7। उसके बाद कौन सी है, नेगेटिव 2 वाली, तो माइनस का कॉस 2π/7 प्लस कौन सी है 3 वाली, कॉस 3π/7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा प्रूफ था जो हमें अटेम्प्ट करना था, एक डिटेल क्वेश्चन था। और डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें, स्टार्ट में जो मैंने इक्वेशन ली है x^7-1=0 ली है। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ये ले लूँ x^7+1=0, x^7=-1, तो यहाँ से भी ये रिजल्ट सेम हम ऑब्टेन कर लेंगे और इससे भी ये हमारा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था मैथमेटिकल मेथड का जो हमने अटेम्प्ट किया। अल्लाह हाफिज़।